कहा गया है सुरा 10 99 में आसमान तो और जमीन का बनाने वाला अल्लाह अगर अल्लाह चाहता सारे के सारे लोग ईमान वाले होते मतलब के हमें बताया गया है कि ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने इंसानों को क्या दिया है इम्तिहान के तौर पर एक एग्जाम दिया है यहां पर जिसके अंदर हम एक एग्जाम से गुजर रहे हैं। अल्लाह चाहता के सब के सब सब के सब, सब सब के सब, और सब के सब मनोहन क्या तुम लोगों को फोर्स करोगे हो जाए तो हमें मना किया गया कि अल्लाह चाहता तो पहले से सबके सब, सब मोमिन होते लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं आजादी दी धार्मिक आजादी इंसानों को चॉइस दिया इख्तियार करो कहा कि तुम सही चूज करना है गलत चूज करना है जो रास्ता चूज करना है तुम चूज करो अब ऊपर वाले ने जब चॉइस दिया इंसानों को तो हमें क्या चांस दिया गया है कि हम फोर्स करें हम दबाव पैदा करें हम फोर्स करें ऊपर वाला चाहता है तो सबके सब एक ही मजहब वाले होते हैं सोचो ऊपर वाला चाहता है सबके सब एक ही मजहब पे होते कि नहीं होते जिस मालिक ने आसमान और जमीन को बनाया क्या उसके लिए कोई मुश्किल था कि हम सब एक ही मजहब पे होते और कोई अलग रास्ता होता ही नहीं दुनिया में लेकिन उसने क्या रखा है कि इंसानों में चॉइस रखा है है कुरान की आयत है, इम्मा इम्मा कफूरा। चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो तो किया हमें फोर्स करने का क्या हक हाँ है इसी वजह से कुरान की आयत है मजहब दीन। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कद तब रुजदु मिनल गई क्योंकि सही और गलत वाजे हैं सही क्लियर है गलत वाजे हैं जब ये क्लियर है तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम फोर्स करें हमें फोर्स करने का कोई हक नहीं है और लव के नाम से भी फोर्स करना दबाव पैदा करना बाज लोग ये कहते हैं कि फिर फिर अब किया गया किडनेप किया गया ये सारी चीजें ये इस्लाम के अंदर जरा भी इजाजत नहीं इस्लाम इस चीज की मुखालिफत करता है इसे गलत बताता है